अभी हम जो आज डिस्कस करेंगे वो है कि जो रिप्रोडक्शन होता है, जो जनन होता है बैक्टीरिया में, वो किस तरीके से होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जान ले कि जो बैक्टीरिया होते हैं और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वो बेसिकली पाया जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो बेसिकली सेक्सुअल को हम बोल सकते हैं कि जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो लैंगिक जनन होता है, वो मोस्टली नहीं पाया जाता है। और कुछ में अगर जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया उसमें क्या है, जो जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है ना। जैसे कोई भाई डीएनए का ट्रांसफ़र तो होना ही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पाया नहीं जाता, तो कैसे डीएनए का ट्रांसफ़र होता है बैक्टीरिया में, वो हम जानेंगे ना। तो ये होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यूकेरियोट्स में पाया जाता है और प्रोकेरियोट्स में पाया, मतलब बैक्टीरिया में पाया जाता है। बैक्टीरिया में किस तरीके से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, और यूकेरियोट्स में अलग तरीके से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है ना। तो यहाँ पर भी जो डीएनए का जो ट्रांसफ़र होता है, जो जीन का जो ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में, किसके थ्रू होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू होता है। तो पहले देखिए कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज द प्रोसेस बाई विच जेनेटिक एलिमेंट फ्रॉम टू सेपरेट सोर्सेज आर ब्रॉट टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट। मतलब कि दो डिफरेंट सोर्स हैं, दो डिफरेंट बैक्टीरिया हैं, उनसे जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। तो जेनेटिक मटेरियल को किस तरीके से एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में लाया जाता है ना, ये होता है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक एलिमेंट फ्रॉम द टू सेपरेट सोर्स आर ब्रॉट टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट एट ए मोलिकुलर लेवल। अब जैसे मोलिकुलर लेवल होता है, मतलब कि हम जैसे अभी तो हम भाई नॉर्मली बात कर दी कि भाई जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो दूसरे बैक्टीरिया में। अब मोलिकुलर बेसिस क्या होता है, किस तरीके से वो ट्रांसफर होता है। द मोलिकुलर लेवल रिकॉम्बिनेशन कैन बी थॉट एज द मूवमेंट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन मोलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड टू अनदर मोलिक्यूल। मतलब अगर हम एक जनरल देखें कि भाई रिकॉम्बिनेशन होता क्या है, तो रिकॉम्बिनेशन होता क्या है कि उस जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन होता है, उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके किसके फॉर्म में होती है, किसके रूप में होती है, डीएनए के रूप में। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड टू अनादर मॉलिक्यूल। तो एक न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए होता है, कुछ में आरएनए होता है, आरएनए जैसे वायरसेज में आरएनए में जेनेटिक के जैसे मोस्टली तो क्या होता है, डीएनए ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है और जेनेटिक मटेरियल होता है। पर कुछ वायरसेज होते हैं जिनमें आरएनए में जेनेटिक मटेरियल होता है ना, तो उनमें आरएनए होता है वो पर्टिकुलर जो मैसेज होता है, पर्टिकुलर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, उसको एक न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि भाई ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, इस बैक्टीरिया का डीएनए होता है, दूसरे का भी डीएनए होता है, तो इस बैक्टीरिया के डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में ट्रांसफ़र करता है। सिंपल सी बात ये होती है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में। अगर हम देखें कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता क्या, तो उसका मतलब सिंपल ये होता है कि एक डीएनए का एक व्यक्ति मतलब एक किसी मोलिक्यूल जो न्यूक्लिक एसिड है उसका दूसरे किसी न्यूक्लिक एसिड में ट्रांसफर होना, दूसरे किसी जो ऑर्गेनिज्म उसके न्यूक्लिक एसिड में ट्रांसफर होना, ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। एक मतलब जनरल लेवल पर देखें तो द जेनेटिक एक्सचेंज अकरिंग बिटवीन होमोलोगस डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज इज टर्म जनरल रिकॉम्बिनेशन। होमोलोगस डीएनए, अब जो होमोलोगस डीएनए होते हैं, जैसे कि एक जो एक एक बैक्टीरिया या एक कोई ऑर्गेनिज्म है उसका डीएनए दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो रहा है, उसके उसके डीएनए ट्रांसफर, तो होमोलोगस अगर ट्रांसफर होमोलोगसली ट्रांसफर हो रहा है, होमोलोगस डीएनए है दोनों के बीच में, दोनों में जो क्या होमोलोगस है डीएनए है ना। तो अगर होमोलोगस डीएनए के बीच में अगर कोई एक्सचेंज हो रहा है, तो इसको लोग इसको बोलते हैं हम जनरल रिकॉम्बिनेशन। फॉर दिस टू हैपन आइडेंटिकल सीक्वेंस ऑन द टू रिकॉम्बिनिंग मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड। तो होमोलोगस डीएनए के बीच में ट्रांसफर होगा, तो उसमें जो ट्रांसफर हो रहा है, दो डीएनए के बीच में ट्रांसफर होता है, दोनों कैसे होमोलोगस है, होमोलोगस कब होंगे, जब उनमें आइडेंटिकल सीक्वेंस होंगे, दोनों में सेम सीक्वेंस होंगे है ना। तो जब आइडेंटिकल सीक्वेंस होंगे तभी जाके वो रिकॉम्बिनेशन पूरा होगा है ना। तो उसके लिए एक आइडेंटिकल सीक्वेंस होना जरूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक एक्सचेंज विच अकर इन यूकेरियोट ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो प्रोसेस होता है जेनेटिक एक्सचेंज का, जो यूकेरियोट्स में होता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब मियोसिस के दरमियान जो यूकेरियोट्स में होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस होता है, इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन।
तो ये होमोलोगस टाइप का जो रिकॉम्बिनेशन होता है, होमोलोगस डीएनए सीक्वेंस होना जरूरी होता है रिकॉम्बिनेशन के दरमियान। और ये किस केस में होता है? यूकेरियोट्स केस में। यूकेरियोट्स में कब होता है? जब मियोसिस होता है, जब मायोसिस या मियोसिस होता है उस टाइम ये जनरल रिकॉम्बिनेशन होता है। पर ऐसा रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया में जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो तो दूसरे टाइप का पाया जाता है। ये तो होमोलोगस जो डीएनए है उसके बीच में एक्सचेंज होता है ना, वो होता है जनरल रिकॉम्बिनेशन। वही जनरल रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है केवल केवल यूकेरियोट्स में। अब प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें एक अलग तरीके का रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोजोम लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेट डीएनए स्ट्रक्चर। ये हम पढ़ चुके हैं। द मीन्स बाई विच द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द रेसिपिएंट आर। अब देखो यहाँ पर जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है वो तीन टाइप का होता है। मैंने कहा था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का अगर जनरल लेवल पे देखें तो हम क्या होता है, सीधी सी बात है कि जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना। तो यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है किसे केस में? प्रोकैरियोट्स के केस में या बैक्टीरिया के केस में, ये कैसे होता है, ये किस फिर? क्योंकि ये मायोसिस तो होता नहीं है, तो मायोसिस नहीं होता तो कैसे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है? तो इसके तीन तरीके होते हैं। एक तो होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है ट्रांसडक्शन और एक होता है कॉन्जुगेशन। ये तीनों तरीके हम डिटेल से पढ़ेंगे और तीनों तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला, थ्री मेन प्रोसेस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन प्रोकैरियोट्स। फ्रेगमेंट ऑफ होमोलोगस डीएनए फ्रॉम अ डोनर क्रोमोसोम आर ट्रांसफर टू अ रेसिपिएंट। डोनर मतलब जो डीएनए देता है, जिस पर ये बैक्टीरिया है पर्टिकुलर से, एक बैक्टीरिया से डीएनए गया दूसरे डीएनए में। तो जिससे डीएनए जा रहा है वो डोनर हो गया और जिस जो ले रहा है वो रेसिपिएंट हो गया, है ना। रेसिपिएंट मतलब उसने रिसीव किया। अब पहला है ये, मैंने कहा तीन तरीके से ट्रांसफर होगा डीएनए का और जेनेटिक मटेरियल का, दोनों सेम है ना। जेनेटिक मटेरियल डीएनए, हम डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ केसेज में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करता है, जिसके जरिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है या ट्रांसफर होती है ना, कुछ वायरसेस को छोड़। पहला तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन विच इन्वॉल्व डोनर डीएनए फ्री इन द एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है कि भाई बैक्टीरिया होता है उसका डीएनए फ्री होता है एनवायरनमेंट में, फिर जाके वो किसी दूसरे बैक्टीरिया होता है उसके उस पर अटैच होता है और उसमें जाके वो मतलब फ्री होने के बाद वो ट्रांसफर होता है दूसरे बैक्टीरिया में। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा होता है ट्रांसडक्शन। इज द डोनर डीएनए ट्रांसफर इज मीडिएटेड बाय द वायरस। ट्रांसडक्शन ये होता है बैक्टीरियोफाज के थ्रू, और बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? ये वायरसेस होते हैं जो अटैक करते हैं किस पर? बैक्टीरिया पर। तो ट्रांसडक्शन जो प्रोसेस होता है उसके लिए बैक्टीरियोफाजेज या वायरसेज का होना जरूरी होता है। वायरसेज के थ्रू, जैसे एक बैक्टीरिया है उससे वायरसेज ने या बैक्टीरियोफाज ने डीएनए लिया फिर जाके दूसरे डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया, तो इसके लिए वायरस का होना जरूरी है। तीसरा है कॉन्जुगेशन इन विच द ट्रांसफर इन्वॉल्व सेल टू सेल कॉन्टैक्ट एंड कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड इन डोनर सेल। इसमें क्या होता है कि जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भाई सेल टू सेल कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं है, पर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, एक सेल का दूसरे सेल से कॉन्टैक्ट होना जरूरी होता है, तभी जाके डीएनए ट्रांसफर हो पाएगा। मीन्स कि इसमें ना ही फ्री एनवायरनमेंट में डीएनए जाएगा, एक जैसे कि भाई ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया ना दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए जा रहा है तो वो एनवायरनमेंट में फ्री नहीं जाएगा। वो नॉर्मली जब दो बैक्टीरियल सेल पास आएंगी, दोनों जुड़ेंगी, उसके बाद ही जेनेटिक जो मटेरियल है जो डीएनए है वो ट्रांसफर होगा दूसरी सेल में। ये होता है कॉन्जुगेशन। अब ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था कि भाई ये जो ट्रांसफर होता है वो कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है। इससे पहले बहुत वो थी कि भाई काफ़ी लोग बोलते थे कि नहीं प्रोटीन ट्रांसफ़र होते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं भाई केवल कोई मटेरियल है जो ट्रांसफ़र होता है। पर ग्रिफिथ आप ये ना कहता, ग्रिफिथ कॉल्ड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विच कुड बी पास फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू नादर ट्रांसफॉर्मिंग द प्रिंसिपल। उन्होंने कहा कि ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रिंसिपल है उसमें क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफ़र होती है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, समझा गया। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ना कोई प्रोटीन वगैरह कुछ, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। पर उन्होंने ये नहीं कहा था कि डीएनए ट्रांसफर होता, तो उन्होंने नॉर्मल कह दिया था कि भाई हाँ कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ट्रांसफर होती है। आफ्टर 16 ईयर विच इज इन 1944 ऑसवाल्ड अवेरी कोलिन मैक्लोइड एंड मैकलिन रिविजिटेड ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट एंड प्रूव दैट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वॉज डीएनए नॉट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट।
तो उन्होंने कहा था कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, पर उन्होंने ये नहीं कहा था किसके थ्रू जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, किसके रूप में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। फिर उसके बाद आए ओसवाल्ड अवेरी, कोलिन मैक्लोइड, मैकलेन। इन्होंने क्या किया, जो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था उसको वापस से रिविजिट किया, और रिविट करने के बाद प्रूव किया कि ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रिंसिपल वॉज डीएनए, जो ट्रांसफॉर्मिंग जो मटेरियल था वो क्या था, डीएनए था, जिसके थ्रू जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही थी वो क्या था, डीएनए था, ना कोई प्रोटीन ना कोई कार्बोहाइड्रेट। अब ग्रिफिथ ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, हम ये भी देख लेते हैं एक बार के लिए। तो ग्रिफिथ जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई एक उन्होंने माउस लिया, और कैसे किया कि भाई उन्होंने पहले किया, पहले एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम कि लिविंग एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू द माउस। तो उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया जो लाइव फॉर्म में था, जो जिंदा था और एनकैप्सुलेटेड था, एनकैप्सुलेटेड था बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू द माउस। तो उन्होंने एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया माउस में इंजेक्टेड किया तो माउस डाइड हो गया, है ना। तो कॉलोनीज ऑफ एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया वर आइसोलेटेड फ्रॉम, जब वो माउस जो डाई हो गया, है ना। तो उन्होंने देखा कि भाई जब माउस मर गया तो उसकी उसके अंदर देखा तो कॉलोनीज थी किसकी, बैक्टीरिया की, कि वो लिविंग फॉर्म में था, है ना। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, दूसरे क्या किया, लिविंग नॉन एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू द माउस। अब उन्होंने नॉन एनकैप्सुलेटेड मतलब जो एनकैप्सुलेटेड नहीं थे, मतलब ढके हुए नहीं थे या किसी से घिरे हुए नहीं थे, उन बैक्टीरिया को, वो भी लिविंग थे, उनको ट्रांसफर किया किस में, माउस में, पर उनका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, माउस रिमेन हेल्दी। ए फ्यू कॉलोनी जो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया वर आइसोलेटेड फ्रॉम द माउस, फेगोसाइट डिस्ट्रॉय नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। अब इसमें क्या हुआ कि उन्होंने कैप्सुलेटेड मतलब होता है कि एक लेयर थी उस बैक्टीरिया के ऊपर, तो जो लेयर थी उस बैक्टीरिया के ऊपर तो उसमें क्या हुआ, जैसे कि अपने फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया होती है अपनी बॉडी के, जो होता ना कि जो यूकेरियोट्स की बॉडी के अंदर चलती रहती है, वो क्या है, जो बाहर से कोई भी जैसे बैक्टीरिया हुआ या फिर कोई भी ऐसी पर्टिकुलर इन्वेजिव स्पीसीज आती है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस, उसके उस पर क्या अटैक करता है, उसकी सेल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है वो। पर जब कैप्सुलेटेड एनकैप्सुलेटेड था, जब उसके ऊपर लेयर थी, वो लिविंग था उसके ऊपर लेयर भी थी, तो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाया एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया वर आइसोलेटेड फ्रॉम द डेड। तो एनकैप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया था उसके ऊपर उसका फेगोसाइटोसिस नहीं हुआ, तो वो उसने फिर उसने क्रिया की किसके साथ, माउस के साथ, माउस को मार दिया, उसको माउस को उसने डिजीज कर दी। पर जब उसको नॉन कैप्सुलेटेड फॉर्म में दिया, जब उसको कोई कवर नहीं था, तो क्या हुआ, वो उसके अंदर चला तो गया, किसके अंदर, माउस के अंदर, उसके अंदर कॉलोनीज भी मिली, पर कैसी मिली, क्योंकि वो फेगोसाइटोसिस हो चुकी थी उनकी और वो नष्ट किए जा चुके थे बैक्टीरिया, किसके द्वारा, ह्यूमन जो इम्यूनिटी पावर जो होती है उसमें जो एक प्रक्रिया होती है फेगोसाइटोसिस, भक्षण करना, तो जो बैक्टीरियल सेल थी उनको भी, वो नॉन कैप्सुलेटेड थी तो उनको ईजिली भक्षण कर लिया, इसके कारण उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ किसके ऊपर, माउस के ऊपर, और माउस हो गया हेल्दी का हेल्दी, है ना। तीसरा किया एक्सपेरिमेंट, द हीट किल्ड एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माउस। उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड मतलब कि जो हीट दिया एनकैप्सुलेटेड, तो हीट से क्या हुआ, उनमें जो माओ वो पहले से जो लिविंग फॉर्म में थे वो नॉन लिविंग फॉर्म में चेंज हो गए। अब नॉन लिविंग फॉर्म मतलब कि जो जीवित तो रहे नहीं है वो बैक्टीरिया, उनको अगर माउस के अंदर देंगे तो क्या फर्क, कोई फर्क पड़ने वाला है माउस के अंदर, नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, माउस रिमेन हेल्दी, और नॉन कॉलोनीज वर आइसोलेटेड फ्रॉम द माउस, कोई भी कॉलोनी नहीं मिली। अब उन्होंने चौथा एक्सपेरिमेंट किया, लिविंग नॉन कैप्सुलेटेड, एक तो लिविंग नॉन कैप्सुलेटेड थी एंड हीट किल्ड एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, दो तरीके के, एक तो थी, ध्यान रखिएगा, लिविंग नॉन कैप्सुलेटेड, लिविंग बैक्टीरिया थे पर में कैप्सूल नहीं था, दूसरा था हीट किल्ड एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, हीट किल्ड एनकैप्सुलेटेड मतलब हीट से क्या हुआ, उनका डीएनए मटेरियल तो नष्ट हो गया पर वो प्रोटीन जो लेयर थी ऊपर वो तो थी अभी। तो दोनों तरह के उन्होंने दिए, किसमें, माउस में। तो अब इसमें ये सिद्ध हुआ, देखो माउस डाइड या माउस डाई हो गया, अब माउस डाई कब होगा, जब जो बैक्टीरिया है वो जिंदा होगा, उसका फेगोसाइटोसिस नहीं हुआ होगा। तो उन्होंने कहा कि लिविंग नॉन कैप्सुलेटेड, तो लिविंग थे, जिंदा थे और उनके अंदर कोई लेयर नहीं थी ऊपर, है ना। अगर ये ऐसे ही जाते, केवल इसको ही देते तो क्या होता, फेगोसाइटिस हो जाता। पर उन्होंने दूसरा भी दिया, हीट किल्ड एनकैप्सुलेटेड मतलब उन्होंने प्रोटीन का जो कवर होता है
वो एक दूसरा बैक्टीरिया लिया है जो प्रोटीन कवर तो था, पर वो हीट किल्ड थे, उनका जेनेटिक मटेरियल मर चुका था, मतलब डीएनए का नष्ट हो चुका था। तो जब जब ये दोनों फॉर्म दिए गए माउस के अंदर, तो हुआ क्या कि जो लिविंग जो नॉन कैफलेटेड थे, मतलब उनमें लेयर तो नहीं थी पर लिविंग फॉर्म में थे, तो उनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो किसमें, हीट किल्ड एनकैप्सुलेटेड में, जिन पे प्रोटीन लेयर थी। तो उनकी प्रोटीन में वो जो डीएनए था, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन था किसका, लिविंग नॉन कैप्सुलेटेड का, वो ट्रांसफर हो गया, जिससे क्या हुआ पूरा बैक्टीरिया बन गया प्रोटीन और किससे मिलके, जो डीएनए था उससे मिलके। तो पूरा बैक्टीरिया तो बन गया, उन्होंने दिया तो ऐसे अलग अलग था, पर वो पूरा बैक्टीरिया जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो गई दूसरे बैक्टीरिया में, जिसके कारण वो कॉलोनीज बन गई किसके अंदर, माउस के अंदर। उसके कारण उस जो नया जो बनाया अभी, एक का तो डीएनए मटेरियल, दूसरे का प्रोटीन, उससे जो नया बैक्टीरिया बनाया, उसके कारण माउस के ऊपर अटैक किया, मतलब माउस की बॉडी के अंदर अटैक किया, जिससे माउस डाई हो गया। ये एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ का। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर अगले इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग।